हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की पंच के बारे में। पंच एक ऐसी कार जो टाटा मोटर्स ने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया है इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में, जिन कंज्यूमर्स और बायर्स की एस्पिरेशन है एसयूवी की फीलिंग, एसयूवी के डायनामिक्स, एसयूवी जैसे ग्राउंड क्लीयरेंस, रेस सीटिंग पोजीशन, येट एट अ प्राइस जिसमें आपको हैचबैक कार्स अवेलेबल होती है। तो साहब, टाटा मोटर्स की पंच का आज सारा विश्लेषण करने वाला हो, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, क्या आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, एवरीथिंग यू वुड कम टू नो ऑन माय कार हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट फेसिया से, कैसी लगती है कार के फ्रंट प्रोफाइलिंग। तो ये आप देखिए टाटा पंच का फ्रंट फेसिया कैसी लगी है? आप सही बताइए इसको। मेरे को जो फर्स्ट इंप्रेशन आया, इट लुक्स मैस्कुलिन, इट लुक्स बोल्ड, एक बेबी हैरियर की आपको लुक्स मिलती है, क्या कहते हैं, सही बताइएगा। DRS ऑन द टॉप, उसके नीचे प्रोजेक्टर्स, देन आर द फॉग लाइट्स, and this front fascia can catch attention of any car buyer looking for a modern SUV stance with a bold car jiski road pe na apni differentiating presence ho. aur jo ye tri-aero design ki mesh hai na lower part pe plus cladding hai aur jo car ka design language hai, it's a tall car. I am sure jab aap isko real life mein dekhenge you will certainly be impressed. side profile mein jaate hain saab, side profile dekhiye, neat clean आपको फिनिश मिलेगी डिस्पाइट ऑफ अ कार विच इज लेस देन 4 मीटर्स लॉन्ग, द लेंथ इज 3827 mm, लेकिन जो कार की हाइट है इट्स एट 1615 mm, एंड दिस कार इज टॉटर देन Hyundai Venue, Kia Sonet, Nissan Magnite, Renault Kiger. 16 इंच के आपको अलॉयस मिलते हैं जो टॉप मॉडल वेरिएंट्स है, लोअर वेरिएंट्स में आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। और साहब, साइड प्रोफाइल में एक बोल्ड क्लैडिंग जैसी है, ये आपको एक बढ़िया लुक्स प्रोवाइड करती है। 187 mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है। और रियर की बात करें तो साहब, रियर प्रोफाइल विद LED ट्राई एरो लाइट्स, जो बोल्ड डिजाइन है, एक राइनो के जो लुक्स होते हैं वो आपको लगता है कार के अंदर। और कार की जो बूट स्पेस है आप देख सकते हैं एट 366 लीटर्स, इट्स अ डीप बूट स्पेस। हालांकि थोड़ा सा लोडिंग लिप जरूर ऊंचा है, लेकिन कार की जो बूट स्पेस है वो डीप है, आप इसमें बड़े बड़े बैगेजेस रख सकते हैं। अब आ जाते हैं कार के केबिन के अंदर। देखिए जो ड्राइवर सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है, माय हाइट इज़ 5'11" और मैं आपको दिखाता हूँ जो रियर में है। लुक एट द डोर्स, 90 डिग्री में वाइड आपको डोर्स ओपन होते हैं। और सर जो इग्रेस है आप देख सकते हैं, दीज आर द एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स, ये आपको कंफर्टेबल महसूस होंगे। अब 5'11" के हिसाब से जब ड्राइवर सीट एडजस्ट है, लुक एट द काइंड ऑफ लेग रूम, आपको बिल्कुल इंप्रेसिव महसूस होगा कि डिस्पाइट ऑफ अ सब 4 मीटर कार, लेगरूम बढ़िया है। हेडरूम स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज़ इंप्रेसिव, आपको एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स मिलते हैं। और बॉस बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, आप देखिए इट्स अ फ्लैट फ्लोर, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है। तो जो सेंटर में बैठ रहा है ना, उसको बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे एक्चुअली 3 लोग बैठ सकते हैं, ये देखिए, सो 3 पीपल कैन पॉसिबली सिट इनसाइड द कार, ये एक अच्छी बात है। अब देखिए कई लोगों को क्या होता है, कार में चाहिए होती है रियर में भी रेस सीटिंग, ताकि जो फ्रंट की विजिबिलिटी है वो अच्छी हो। तो बॉस रियर में ना आपको एक इम्प्रेसिव स्पेस मिलने वाली है। और देखिए इग्रेस भी, आपके परिवार में सीनियर मेंबर्स हैं, उनके लिए उतरना आसान है, दे जस्ट नीड टू वॉक आउट और घुसेंगे, इट्स वेरी इजी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंची कार है कि भाई परिवार के सीनियर मेंबर्स को चढ़ने में दिक्कत आए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी टू वॉक इन द केबिन एंड वॉक आउट ऑफ द केबिन। और सर डोर्स बिल्कुल वाइड ओपन होते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये देखिए, अब देखिए जो रिक्लाइन एंगल है, दिस रिक्लाइन एंगल इज सफिशियंट। ऐसा नहीं है कि भर भर के आपको रिक्लाइन की स्पेस मिलेगी, लेकिन फिर भी रिक्लाइन एंगल रीजनेबल ओके है। और इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, ये आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स में मिलते हैं, दिस लुक्स ब्राइट, ऐसा नहीं कि आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आएगी। सो ये आपको इंटीरियर थीम मिलेगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC के वेंट्स आपको रेक्टेंगुलर डिज़ाइन में मिलेंगे, 7 इंच का MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा, और इंटीरियर्स आपको सर्टेनली प्लश महसूस होंगे। हाउ दिस इज अ हार्ड टच प्लास्टिक बॉस, ये हार्ड टच प्लास्टिक है, लेकिन आपको इस सेगमेंट में हार्ड टच प्लास्टिक ही मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो एस्थेटिक्स है वो आपको बिल्कुल
बढ़िया मिलने वाले हैं। इसके टच स्क्रीन के बारे में बात करें तो साहब इसमें आपको मिलता है हरमन का 7 इंच का टच स्क्रीन विद हैविंग 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स। इंफोटेनमेंट की जो साउंड क्लैरिटी है वो आपको इम्प्रेसिव महसूस होती है। यस, टच रिस्पॉन्स उतना फ्लूइड नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक यू वुड बी रीजनेबल सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू टच स्क्रीन। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, एप्पल कारप्ले मिलता है, WOT3 words मिलता है आपको। इसके अंदर एक कमांड्स मिलती हैं वॉइस कमांड, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश में कमांड दे सकते हैं कि एसी का टेम्परेचर इस पे सेट करिए या आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन प्ले करिए। आप हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं। रेयर व्यू कैमरा मिलता है, डायनेमिक गाइडलाइंस जो आपको अच्छा खासा मिलता है। ओवरऑल जो इसकी रेजोल्यूशन है वो भी इम्प्रेसिव है। देखिए, ट्रिप को रीसेट कर दिया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में है। मैं आपको कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी दिखाऊंगा, कार की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रिप। देखिए, कार के पिकअप के बारे में जानिए। इट्स अ 3-सिलेंडर इंजन विद 85 BHP पावर, 113 Nm का टॉर्क है, और 2 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, सिटी मोड और इकोनॉमी मोड। बेस्ट टू एक्सपीरियंस दिस कार इन सिटी मोड, इकोनॉमी मोड में तो कार की हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, लेकिन कार की परफॉर्मेंस और डल हो जाती है। अब देखिए, टिल द स्पीड ऑफ 60 कार ओके है, लेकिन साहब पोस्ट 60 किलोमीटर्स के बाद जो कार का पिकअप है वो आपको बिल्कुल स्लगिश थोड़ा सा मिलना महसूस हो जाता है। ऑल्दो आई एम प्रेसिंग द एक्सीलरेटर टू द फुल, और आप देख सकते हैं कार के पिकअप के बारे में। So it is taking almost good 16 seconds right from 0 to 100, or 0 to 60 the car reaches in 6.5 seconds. ये देखिए, हालांकि 100 plus recommended नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं 100 के बाद 120 पहुंचने में वो expectation clear होनी चाहिए that आप कौन सी कार चला रहे हैं। Performance में possibly yes, थोड़ा सा आपको अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रखनी पड़ेगी। अब देखिए 120, 130 के बाद बीप्स आ रहे हैं, लेकिन साहब बढ़िया बात यह है जो कार की हैंडलिंग है, जो कार के स्टीयरिंग डायनामिक्स हैं, ये स्टीयरिंग बड़ा फॉर्म है टाटा मोटर्स की पंच का, और ये स्टीयरिंग आपको एक इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस देता है। और सेकेंड चीज मैंने ऑब्जर्व करी है टाटा पंच के बारे में, वो है कार की ब्रेकिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल्दो आई एम स्पीड ऑफ 120, ये देखिए ब्रेकिंग इज प्रेटी इफेक्टिव इन टाटा मोटर्स की पंच। ABS, EBD आपको मिलता है, साथ में एक इसमें ब्रेक स्वे वाला फीचर भी है, जिसमें होता क्या है, बिफोर द ABS पंचेस इन कार की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ऐसा करती है कि कार आपकी साइडवेज नहीं होगी। तो ब्रेकिंग आपको टॉप नॉच मिलेगी, स्टेयरिंग आपको बड़ा इम्प्रेसिव मिलेगा, कार की जो ग्रिप है, कार के जो हैंडलिंग डायनामिक्स है वो आपको प्रेटी इम्प्रेसिव मिलने वाले हैं। इवन पोस्ट 80, 100, 120 तक जो देखा है, कार में कोई नर्वसनेस नहीं है। यह साहब इंजन की नॉइस लेवल्स वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो आपको नॉइस लेवल्स फील हो रहे हैं। केबिन में जो बाहर की विंड की नॉइस है, इंजन की नॉइस है, वो प्रिवेलेंट है। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू हैव योर एक्सपेक्टेशन करेक्ट। देखिए, जो ये 1200 cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, इसमें आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। अब देखिए, एक मैं पत्ता रख के दिखाता हूँ, तो यू कैन सी द काइंड ऑफ vibrations which is there. Although due to this insulation sheet, cabin में आपको काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन बढ़िया बात यह है, handling dynamics के हिसाब से, grip के हिसाब से, braking के हिसाब से, visibility के हिसाब से, आप देखिए कार का जो bonnet है वो बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है। आप side के glasses देखिए, बिल्कुल बढ़िया है, और rear की जो visibility है वो full बहुत ही बढ़िया है। आप इस ए पिलर को देख सकते हैं, ये जो ए पिलर है, दिस इज नॉट एज थिक एज व्हाट यू गेट इन टाटा नेक्सॉन। मैंने अभी सिटी में भी कार चलाई थी, तो इससे कोई आपको ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। और साहब जो विजिबिलिटी है, आपकी कमांडिंग पोजीशन है सीटिंग पे, वो आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है कि भाई सीटिंग पे मेरे को लगता है कि एक ऐसी कार हो जिसमें आप बैठे हो, थोड़ा सा चढ़ के थोड़ी सी आपकी रेस सीटिंग हो। दैट इज व्हाट गोइंग टू इंप्रेस यू, कि सीटिंग आपको रेस मिले, तो ये चीज आपको पसंद आती है। सस्पेंशन वेल सॉर्टेड है डिस्पाइट 187 mm ग्राउंड क्लियरेंस। मुझे लगा था कार ऊंची है, कार में बॉडी रोल होगा, तो साहब बॉडी रोल भी स्टेबल है, ऐसा ज्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कार की ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची है, कार ऊंची है, थोड़ा सा आपको बॉडी रोल मिलेगा, लेकिन साहब वो स्टेबल है, उसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है।
तो साहब मेरा डेली मेरठ एक्सप्रेस वे का ट्रिप है खत्म होने पर आ गया। आई हैव ऑलमोस्ट रिवन 33.3 किलोमीटर्स विद अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 18.3 kmpl। तो आपको एक अच्छी माइलेज मिलेगी, ऑल दो आई हैव ड्रिवन स्लाइट ऑन अ रैश साइड, लेकिन सर्टेनली इट्स अ गुड माइलेज। वो जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 18.3 kmpl, इट्स अ वेरी गुड माइलेज कंसिडरिंग द फैक्ट आई वॉज ड्राइविंग ऑन अ स्लाइट रैश स्पीड, अदरवाइज द फ्यूल एफिशिएंसी वुड हैव बीन 20 kmpl प्लस। एयर कंडीशनिंग की बात करूँ साहब, एयर कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुपर चिल एयर कंडीशनिंग है। तो इसको तो मैंने ऑफ ही कर दिया था कि भैया ठंड महसूस हो रही थी केबिन के अंदर, और ये एक बात है। यस, परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी समझना होगा, दैट इट्स अ कार इन विच यू कैन कम्यूट ऑन डे टू डे ड्राइव। आप देखिए सिटी में चल रहे हैं हम इस वक्त, अब सिटी में चल रहे हैं, ट्रैफिक है तो आपकी स्पीड कंट्रोल है। तो ये कार अगर आप एक नेचुरल वे में डे टू डे ड्राइव में चलाएंगे तो आपको कार पसंद आएगी। इट्स अ कार टू बी ड्रिवन इन अ रिलैक्स्ड वे। 0 to 60 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोस्ट 60 यस, जो कार का पिकअप है वो थोड़ा सा आपको स्लोअर साइड पर मिलता है, तो वो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रखें। और सर AMT के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब चला रहे हैं AMT। तो देखिए टाटा पंच की AMT इज मेंट फॉर दोस बायर्स हु जस्ट वांट टू गेट अ फ्रीडम फ्रॉम द क्लच। अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हैं, अगर आप एक कार बायर हैं हु इज अपग्रेडिंग फ्रॉम अ हैचबैक फ्रॉम अ मैनुअल ट्रांसमिशन, ट्रस्ट मी सिटी ड्राइव में आप वरदान मानेंगे इस चीज को। आपका लेफ्ट फुट एब्सोल्युटली रिलैक्स है, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव इन, अनलाइक अ मैनुअल ट्रांसमिशन जो कुछ नए नए ड्राइवर्स को लगता है कि भाई कार स्टॉल हो जाएगी। AMT में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और आपकी जो विजिबिलिटी है, सीटिंग है, वो आपकी सीटिंग थोड़ी रेज है, सो यू गेट अ कमांडिंग व्यू ऑफ द रोड। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स, फॉर वीमेन ड्राइवर्स, आई थिंक AMT मेक्स अ परफेक्ट सेंस। यस, थोड़ा सा क्या होता है AMT कार्स में, बिल्कुल एडमिट करता हूँ, देयर इज अ काइंड ऑफ स्लाइट जर्क विच मे बी ऑब्जर्व व्हेन द कार चेंजेस गियर, बट 7 साल हो गए साहब AMT को, तो AMT इज नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक एज अदरवाइज इट वॉज इन यस्टरडे। टाटा मोटर्स ने भी कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट किया है AMT के अंदर, एंड आपको आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो AMT आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, एंड सर्टेनली फॉर समवन हु वांट टू गेट अ फ्रीडम फ्रॉम द क्लच मूवमेंट, वांट टू गेट अ रिलैक्स ड्राइव, AMT कैन बी एन एक्सेलेंट चॉइस। तो इवेंचुअली टाटा मोटर्स पंच आपको लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। देखिए मैं अगर आपको नटशेल में एक्सप्लेन करता हूँ टाटा मोटर्स की पंच के बारे में, इट्स अ ग्रेट कार फॉर द पीपल हु हैव एन एस्पिरेशन इन टर्म ऑफ SUV लाइक हैंडलिंग, ग्राउंड क्लियरेंस, अ कार विद अ रेस सीटिंग पोजीशन, एक ऐसी कार जिसमें उनके परिवार के सीनियर मेंबर आसानी से इंग्रेस कर सकें, 5 मेंबर्स परिवार के बैठ सकें, जिस कार के अंदर फीचर्स आपको अच्छे खासे मिले हो, एक ऐसी कार जिसकी बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी रेटिंग आपको बढ़िया हो, ब्रेकिंग बढ़िया हो, हाई स्पीड हैंडलिंग अच्छे हो, स्टीयरिंग डायनामिक्स अच्छी हो। जो एकमात्र मुझे कमी लगी, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो कमी है कार के इंजन के बारे में। यस, इट मे नॉट बी अ कार इन टर्म्स ऑफ फॉर पीपल हु लव 0 to 100 कितने सेकंड्स में पहुंचेगी, एक ऐसी कार जिसके इंजन के नॉइज एंड वाइब्रेशन वहाँ पे जरूर, और दो इम्प्रूवमेंट करनी टाटा मोटर्स ने कोशिश करी है, लेकिन साहब थोड़ा सा अभी भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बात ज़रूर है। लेकिन सर्टेनली अगर आप रिलैक्स ड्राइविंग पसंद करते हैं तो आप पंच से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है डू टेस्ट ड्राइव दिस कार, बिकॉज दिस हैज़ अ कार जिसके अंदर पोटेंशियल है टू बी अ कार ऑफ 2021। ऐसे कार के ऊपर एक नए आयाम सेट होंगे, इट्स वेरी इंप्रेसिव, एंड माई वर्ड गोज फॉर टाटा पंच की आप अपने टाटा पंच को ले सकते हैं। आपकी सहूलत लेना चाहता हूं, अगर आप टाटा मोटर्स की पंच को लेने का प्लान कर रहे हैं, माय कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वी हैव जस्ट फॉर्मड अ न्यू कम्युनिटी फॉर टाटा पंच बायर्स, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, इंटरेक्ट करिए बाकी बायर्स से, क्या उनके थॉट्स हैं, सो एज टू मेक अ राइट चॉइस। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चार माय कार पर मिलाए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।